समालखा की कृष्णा कॉलोनी में मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव, शरीर पर चोटों के निशान। बता दें, समालखा में देर रात 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से कृष्णा कॉलोनी में दहशत छा गई। मृतक की पहचान गांव की बाना निवासी रविंद्र के रूप में हुई है, जो कि फाइनेंस का काम करता था और लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। लेकिन रात को सूचना मिली, इस तरह एक लड़के का मर्डर हो गया है कृष्णा कॉलोनी में। जिस सूचना पर मैं 2-3-4 स्टाफ गए थे, भिजवा दिया तो पता चला भाई क्या लड़के चमकाने थे, जिनका नाम जिसकी जयराम वगैरह हैं, ठीक है ना। जाँच चल रही है। सर, मरने वाला बंदा कहाँ का है? ये गिवाने का है, रविंद्र नाम है। जानकारी के अनुसार मृतक बीती रात करीब 9 बजे जब अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में उसका दोस्त पंकज मिला, जिसके साथ बैठकर वो हुक्का पीने लगा। तभी अचानक चुलकाना के चार लड़के वहां आए और पंकज से शराब की मांग करने लगे। शराब ना देने पर उन युवकों की पंकज से कहासुनी हो गई। रविंदर ने बीच बचाव किया तो पंकज वहां से भाग निकला और उन युवकों ने रविंदर को पीटना शुरू कर दिया। रविंदर भी खुद को बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन उन बदमाश लड़कों ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और उस पर इंटरलॉकिंग टाइल से हमला कर रविंदर की हत्या कर दी। बता दें, हत्या करने वाले चारों लड़कों के चेहरे CCTV में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस CCTV की मदद से आरोपी की पहचान कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। हिंद एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।